तुर्की इस्तांबुल दिखाने जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं एक जगह का आपने मुझे मतलब पॉइंट के बारे में बता दिया है। मुझे इतना नहीं आइडिया कि मुझे ये पता है कि इस तरह बस सफ़र कर रहे हैं जो कभी भी नहीं हुआ बचपन में याद होगा कभी बस सफ़र किया और स्कूल ज़माने में वक्त गाड़ी लगी होती थी लेकिन बस ट्रेन पाकिस्तान में नहीं होते ही और ज़्यादा हालात भी अच्छे नहीं हैं। खैर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बस में और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि बाहर का यहाँ की रोड्स और इस वक्त अच्छा यहाँ का एक अच्छा एक वो हो रहा है मौसम हो रहा है। गर्मी ऐसी वाली गर्मी नहीं है कि आप इंजॉय ना कर सके निकल ना सके लेकिन मज़े का इस तरह यहाँ पर मौसम हो रहा है। कहीं का ज़रा पिक्चर्स दे रही है। हमारा स्टॉप अभी काफ़ी दूर है जो बताया गया है और लोग इस तरह आते हैं कार्ड चार्ज कराते हैं। कल जहाँ बहुत ट्रेन से चलते नहीं गए थे टैक्सी ना करो ये वो भी बस में जाते हैं अच्छा अच्छा चलिए टैक्सी में हम लोग कल गए थे तो हम ट्रेन से गए थे तो वो भी बस के थ्रू हम जा सकते हैं। आई नो मुझे पता है कि जब हम लोगों को जगह नहीं पता होती तो हम ऐसे ही मिसिंग हो जाती है लेकिन कोई गल नहीं इंसान जब नई जगह आता है देखिए कितने एक्टिव होते हैं ये लोग माशाल्लाह आते हैं और बस में सफ़र करते हैं। अच्छी बात है तो अपनी जगह छोड़ के भाई ने खूब जगह दी है फ़ौरन लेके काकू भी खड़े होने लगी थी लेकिन मेरी बात है इतना अच्छा है। हमारे यहाँ तो लोग बैठ जाते हैं तो उठते नहीं है कहते नहीं जी सॉरी एक्सक्यूज भी हम बैठ गए और यहाँ पे बुरा माना जाता है। यहाँ पे एजिड को देखकर किसी लड़की को देखकर या स्पेशली एजिड को देखकर वो लोग स्पेशल अपनी जगह से उठ जाते हैं। ये मैनर्स यहाँ के बहुत ख़ास है जो हमारे पाकिस्तान को सीखने की ज़रूरत है। बाहर आके तो हम बाहर जैसी हरकतें कर लेते हैं लेकिन पाकिस्तान में ऐसी हरकतें क्यों नहीं करते जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से हों। और ये देखिए इन्होंने जगह दी तो वो नौटते बैठ गई कितना अच्छा लगता है ये इम्पैक्ट कितना अच्छा डालता है कि आपको पता चलता है कि यार हाँ जी आपको तमीज़ नाम की चीज़ आपके घर में। खैर पाकिस्तान में भी तमीज़ घर में सिखाई जाती है बच्चे ना लें तो अलग बात है वहाँ के बच्चे पता नहीं किस तरह के बच्चे मुझे आज तक समझ नहीं आई। हाँ पता नहीं कौन कौन से यहाँ से जगहें जो आए जा रही है और हम लोग इसको क्रॉस किए जा रहे हैं और यहाँ से मैं देखिए यहाँ पे हर बंदा साफ़ सुथरा खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ब्यूटी वाकई बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सारे घर जो है वो इसी तरह ऊपर नीचे दाएं बाएं ओके बने हुए कुछ बोर्ड नज़र आए थे मैंने कहा इसको कैप्चर कर लूँ और ये देखिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं सारे के सारे नंबर एड्रेस जो है इस पर लिखा हुआ था और ये फिर यहाँ से हम चलना शुरू किया। यहाँ पे जो घर है अमूमन छोटे हैं मतलब छोटे छोटे घर फ्लैट इस तरह के ऊपर यहाँ का बनाया गया है बहुत बड़े बड़े नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता है दो कनाल तीन कनाल चार कनाल तो यहाँ कनालों वालों हिसाब किताब नहीं है। जो मेन सिटी है वहाँ पे छोटे छोटे अपार्टमेंट बने हुए हैं और हमारा होटल भी जहाँ हम रुके हैं वहाँ भी छोटा सा क्यूट सा है। एक और पॉइंट बस जिससे क्रॉस होते हुए इधर आगे जा रहे हैं ये एक और बिल्डिंग है मज़े की और यहाँ से कर्व आ गया और यहाँ पे सारी आपको टैक्सी नज़र आ रही होंगी। यहाँ से कर्व आते हुए हम ज़रा आगे की तरफ जा रहे हैं और आगे भी मॉल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। मेरी आवाज़ मैं ज़ोर से इसलिए बोल रही हूँ कि हम मैंने कोई माइक वाइक नहीं लगाया हुआ मैं अपनी बस वॉल्यूम से ही जो सारा कैप्चर हो सकता है सो वो मैं कर रही हूँ। और डबल डेकर बस भी नज़र आई है भाई यहाँ पर और ये इनका डाउनटाउन एक और आ गया है ये कितना मज़े की लग रही है सारी बिल्डिंग्स वाओ ओहो हो ये इनका एक मॉल है बड़े मज़े का लग रहा है जी ये मॉल भी और आगे भी सारी बिल्डिंग्स ऐसी है। जब वो सामने आ गया समंदर बीचेस आ गया वो सारे पानी और एक तरफ पानी है और एक तरफ वो समंदर शुरू हो जाता है अब थोड़ा आगे जाके पता चलेगा क्योंकि तो काफ़ी दूर है उससे हम उस पॉइंट तक अभी पहुँचे नहीं है। वहाँ पॉइंट पर जाने के बाद इस वीडियो को मैं कट करूँगी जब पानी में जाएंगे वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ जाके वहाँ की वीडियो अलग बनाएंगे तो खैर यहाँ की जो बस का मेरे साथ मेरे पार्टनर के बस का सफ़र मैं और काकू के साथ बस का सफ़र जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये सारी यहाँ की रोड्स और ये मुख्य रास्ते जो मैंने छोटे छोटे कैप्चर किए जगहों के नाम तो सॉरी मुझे नहीं पता बस ये पता है जो जगह अच्छी लग रही है वो कैप्चर कर रही हूँ जैसे मुझे मैंने ये बिल्डिंग को भी कैप्चर कर लिया। हाँ से और कितना खूबसूरत एक बिल्डिंग से होते हुए हम मुख्तलिफ जगहों से होते हुए जा रहे हैं और मैं और काकू इतने मज़े की वीडियो लग रही है सर परचम के साथ ये वीडियो मज़े कर रही है वो सामने आ गया बात वो देख कितना प्यारा लग रहा है हम उधर ही जा रहे हैं।
चलो जी, हम पानी वाली साइड पे जा रहे हैं। यहाँ से ये एक और जगह सारों तरफ फ्लैग फ्लैग, यहाँ वो मस्जिद जहाँ हम लोगों ने आई थिंक कल जाना है, वो टॉप पर जो बनी होती है जहाँ सारी शूट्स होती हैं, अभी आई की मस्जिद वहाँ पे वो मस्जिद अलग है। तो ये तो वो भी बहुत प्यारी मस्जिद है। यहाँ से देखिए जी होते हुए इतने मज़े के रास्ते हैं, यहाँ से इतने मज़े के रास्ते हैं, एकदम से इतना क्लोज होके बस गुजरी है। मैं डर गई, मैंने कहा दोनों बसों के टक्कर ना हो जाए। हमारा स्टॉप आने वाला है काकू कह रही है, और यहाँ से हम लोगों को उतरना है। काकू ने पता नहीं क्या प्रेस किया, स्टॉप ओके, समझ नहीं आ रही कि हमें आगे से उतरना है या पीछे से उतरना। मैं तो बेटा दोनों ही डोर खुलते हैं, कहीं से उतर जाएंगे। और यहाँ से स्टॉप पे कितनी खूबसूरत रिक्शे खड़ती है, इतनी प्यारी लग रही है, खूबसूरती बे इंतहा बे इंतहा। और हम उस जगह पहुँच गए जहाँ हम लोगों को उतरना है। काकू ने प्रेस किया है बटन और उसके बाद में हम जाएंगे उतरेंगे। और ये था हमारा आगे सफ़र, यहाँ का जहाँ तक का स्टॉप का सफ़र, आगे की वीडियो से बात करा। हम यहाँ से देखें पता नहीं क्या वो इंफॉर्मेशन है।